प्राथमिकताओं में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में उत्तर में ईंधन पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि इसका उपयोग अस्पतालों को बिजली देने में, स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने में और दूसरे कई महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए जारी किया जा सके। दक्षिणी इसराइल में हमास के 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में इजरायली बमबारी हफ्तों हफ्तों चलती रही। ऐसे ही सेवाएं बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और लगभग 240 को बंधक बनाया गया। 24 नवंबर को शुरू हुआ एक युद्ध विराम दोबारा बढ़ाया गया और 80 इसराइलियों सहित 110 बंधकों को रिहा कर दिया गया। इसराइल हमास युद्ध के लाइव अपडेट्स में हम आपको बताने जा रहे हैं गाजा पट्टी की स्थिति क्या है। इसराइल और हमास के लड़ाकों के बीच युद्ध विराम को लंबा खींचने के लिए बातचीत टूटने के बाद गाजा में शनिवार को दूसरे दिन भी नए सिरे से लड़ाई जारी रही। मध्यस्थों के अनुसार इसराइल से बमबारी रोकना एक बार कठिन हो गया। शहर में रॉयटर्स के पत्रकारों ने कहा कि दक्षिणी गाजा के खान यूनुस के पूर्वी इलाकों में शुक्रवार सुबह ही तुरंत संघर्ष विराम के सीमा समाप्त होने के बाद तीव्र बमबारी हुई, जिससे आसमान में धुएं के गुब्बारे उठने लगे। निवासियों के गाड़ियों में सामान भरकर सड़क पर निकलना, पश्चिम की ओर आश्रय के तलाश में भागना, ये सब नजर आया। इसराइल ने कहा कि उसकी जमीनी, वायु और नौसेना बलों ने गाजा में 200 से ज्यादा आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। शुक्रवार शाम तक गाजा पट्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इसराइल हमलों में 184 लोग मारे गए, कम से कम 579 लोग घायल हुए और 20 से ज्यादा घर प्रभावित हुए। युद्धरत पक्षों ने इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों के बदले में बंधक बनाए गए बंधकों को दैनिक रिहाई की अवधि बढ़ाने की शर्तों को अस्वीकार करके युद्ध विराम टूटने के लिए एक बार फिर एक दूसरे को दोषी ठहराया। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि लड़ाई से अत्यधिक मानवीय आपातकाल बन चुका है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवादी कार्यालय के प्रवक्ता जोन्स लॉक ने कहा, पृथ्वी पर नर्क गाजा में लौट आया है। संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा, आज कुछ ही घंटों में कथित तौर पर कई लोग मारे गए और घायल भी हो गए। परिवारों को फिर से घर खाली करने के लिए कहा गया, उम्मीदें धराशायी हो गई। उन्होंने कहा कि गाजा के बच्चे, महिलाएं और पुरुष कहीं भी सुरक्षित नहीं है, जाओ और जीवित रहने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। इसराइल ने हमास पर आरोप लगाया कि उसने अपनी सभी महिलाओं को रिहा करने से इनकार कर दिया। एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने कहा कि ये घटना महिला इजरायली सैनिकों को लेकर हुई। 7 अक्टूबर को हमले के बाद इसराइल ने हमास को नष्ट करने की शपथ ली, जिसमें उसका कहना है कि आतंकवादी समूह ने 1200 लोगों को मार डाला और 240 लोगों को बंधक बना लिया। 2007 से हमास द्वारा शासित गाजा को इजरायली हमलों ने बर्बाद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वसनीय माने जाने वाले फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि 15,000 से ज्यादा गाजावासी मारे गए हैं और हजारों लापता भी हुए हैं। एक अधिकारी एल्डर ने कहा कि एक और लड़का जिसका पैर हिंसा में उड़ गया था, उसने चौकियों के कारण देरी से दक्षिण तक पहुंचने की कोशिश में 3 या 4 दिन बिताए। गंध सड़न की स्पष्ट थी और उस लड़के के पूरे शरीर पर छर्रे लगे हुए थे। संभावित रूप से वो अंधा भी हो चुका था और उसके शरीर का 50% हिस्सा जल गया था। गाजा में जरूरतों के पैमाने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि 24 नवंबर को लड़ाई में विराम की शुरुआत में उत्तर में किए गए एक आकलन से पता चला है कि हर जगह हर किसी को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जरूरतें हैं। जिनेवा में बोलते हुए WHO के प्रवक्ता डॉक्टर मार्गरेट हैरिस ने कहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भूख से मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास साफ पानी की कमी है और वे एक साथ भीड़ में हैं। मूल रूप से यदि आप बीमार हैं, यदि आपके बच्चे को दस्त है, यदि आपको कोई संक्रमण है, तो आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी। अपने लेटेस्ट अपडेट में UN सहायता समन्वय कार्यालय OCHA ने कहा कि वादी गाजा के दक्षिण में राहत आपूर्ति की डिलीवरी तेज कर दी गई है, जहां अनुमति 1.7 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों ने आश्रय मांगा था।
आगे OCHA ने कहा कि हमारी निगरानी में अकाल और भुखमरी का एक खतरा नजर आ रहा है। इसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर भोजन लाने और इसे सुरक्षित रूप से वितरित करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 6 दिन पर्याप्त नहीं है। गाजा के लोगों को सिर्फ 6 दिन नहीं बल्कि हर दिन खाने की ज़रूरत है। खैर, इस खबर में, इस लेटेस्ट अपडेट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।